असलम एंड वील बी टॉक अबाउट स्क्रिप्ट टुडे यानी के स्क्रीन प्ले एक स्क्रिप्ट जो कि टी के लिए लिखा जाए या सिनेमा के लिए लिखा जाए या रेडियो के लिए लिखा जाए स्क्रिप्ट होता है अब स्क्रिप्ट जो है वो बाकी राइटिंग से कैसे मुख्तलिफ है वो इस तरह मुख्तलिफ है कि स्क्रिप्ट जो है वो ना सिर्फ एक कहानी बताता है बल्कि ये बताता है कि कौन क्या बोलेगा किस सीन में बोलेगा और किस तरह बोलेगा तो वो पूरी एक डिटेल होती है एक डायलॉग की एक सीन की एक सिनारीो की जहाँ हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्टर्स हैं या जो लोग उन डायलॉग्स को बोलेंगे वो एक ऐसे तरीके से बोलें कि जो हम कहानी बताना चाह रहे हैं सुनाना चाह रहे हैं वो उसी तरह बताए या सुनाई जाए उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले और फिल्म और ब्रॉडकास्ट एज सिंपल एज दैट जो हम देखते हैं ना यहाँ पे मैं भी यहाँ खड़ी हूँ अगर मेरे साथ कोई और लोग आ जाते हैं हम आपस में बात करना शुरू करते हैं हमने कैसे हाथ हिलाना है हमने कैसे फेशल एक्सप्रेशन देने हमारे इर्द गिर्द माहौल क्या होगा हमने कितने स्टेप्स लेने हैं वहीं खड़े रहना है ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रिटन टेक्स्ट होता है क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि राइटर के दिमाग में क्या है वो क्या कहानी बताना चाह रहा है कैसे बताना चाह रहा है तो उस कहानी को बताने के तरीके के लिए मेरा उस कहानी में किरदार क्या है रोल क्या है उस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है सो द स्क्रिप्ट हैज़ मैनी फॉर्म्स इट हैज़ एन एक्सप्लेनेशन विच टेल्स यू what's द टेक्सट what's द सीन what's द इन्वायरमेंट क्या एक्शन ज़रूरी है क्या इमोशन है क्या मूड है ये सारी चीज़ें बताता है साथ में वो डायलॉग्स देता है प्रोटैगनिस के एंडगनस के अब प्रोटैगनिस एंड क्या होता है हीरो विलन अगर सिंपली हम बात करें जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरी प्ले में मौजूद होते हैं वो लोग होते हैं दी स्क्रीन प्लेस कैन भी ओरिजिनल वर्क्स और अडेप्टेशन फ्राम एग्जिस्टिंग पीसेस और बहुत सारे इसकी थीम्स हो सकते हैं एक्शन होता है रोमांस होता है और इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होता है जैसा मैं बात कर रही थी कि जितनी हम डिटेल दे सकते हैं एक एक्टर के लिए या जिसने ये डिलीवर करना होता है उसके लिए उतना ही जो कहानी है वो जिंदा हो जाती है वो लफ्ज़ों से उठ के एक इंसान की शक्ल लेना शुरू हो जाती है एक दुनिया की एक शक्ल लेना शुरू हो जाती है एक ज़िंदगी की का रूप ढा लेती है तो स्क्रिप्ट इसलिए बेतहाशा इम्पॉर्टेंट होता है आजकल स्क्रिप्ट राइटर्स या जो स्क्रिप्ट की डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है अवार्डस uh, मिलते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स को स्क्रीन प्ले राइटर्स आर अवॉर्डेड बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इनके बगैर ना ड्रामा बन सकता है ना फिल्म बन सकती है ना कोई रेडियो का प्ले बन सकता है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं बताते एक्टर को ये नहीं पता होता कि उसने क्या बोलना है कैसे बोलना है कहाँ बोलना है अब तो स्क्रिप्ट जो हैं वो पॉलिटिशियंस या लीडर्स के लिए भी लिखे जाते हैं जो कंपनीज के सीईओ हैं उनको भी बताया जाता है कि भाई आपने ये बोलना है ऐसे बोलना है तो उनकी भी स्पीचेस जो हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक कहानी होती है जिसमें आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे लिखा जाएगा जो कहानी है उसमें कहा जाएगा एक आदमी आया और वो मेज़ पर जाके खड़ा हो गया स्क्रिप्ट में पहले ये बताया जाएगा कि जी कमरा कैसा था कमरे में एक मेज़ रखी है खिड़की है टीवी है कापेट्स हैं आ, लाइटें डिम्ड हैं आदमी जो है वो आता है उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई है कोटी पहनी हुई है और उसका हुलिया ऐसे है उसकी ज़बान में हल्की सी लुकनत है वो, वो पूरा आप कैरेक्टर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं सीनारी एक्सप्लेन करते हैं फिर आप ये कहते हैं कि द मैन वॉक्स इन टू द रूम आदमी कमरे के अंदर आया और कमरे के अंदर उसने आके कहाकुम तो डायलॉग अस्सलाम वालेकुम तो ये जो है स्क्रिप्ट का लिखने का तरीका होता है अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको स्क्रिप्ट के फॉर्मेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो वर्ड फॉर्म में भी होते हैं पीडीएफ में भी होते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जहां आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट्स कैसे लिखे होते हैं बहुत से अच्छी रिसोर्स हैं जो डमीज़ का पूरा एक सीरीज़ है उसमें हाउ टू राइट स्क्रिप्ट भी है Uh, और भी बहुत सारे ऐसे uh, आपको ऑनलाइन uh, टूल मिल जाएंगे जहाँ पर वो देते हैं मगर आज हम आपको बताते हैं कुछ स्टेप्स तो जो आप इस पूरे क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स में आपने uh, जाना होगा कि हम uh, किस तरह लिखते हैं क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है मगर जब हम स्क्रिप्ट की बात करें तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट में होती हैं और शायद और जगह नहीं होती सो नो द यूज़ ऑफ ईच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट यानी कि आप स्क्रिप्ट किसके लिए लिख रहे हैं टी के लिए लिख रहे हैं सिनेमा के लिए लिख रहे हैं या रेडियो के लिए लिख रहे हैं इस सब में थोड़ी सी डिटेल कम या ज़्यादा होती है टी वी में सिनेमा में बहुत सारी आपको डिटेल चाहिए लोकेशन चाहिए एक एक वाइड स्क्रीन होता है उस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं एक डेप्थ भी ज़्यादा होती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है कैरेक्टर्स की मूवमेंट की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए होती है डायलॉग जो है वो ज़रा सा लार्जर देन लाइफ होता है कम्पेयर टू टेलीविज़न क्योंकि टेलीविज़न आपके घर के अंदर होता है आपको घर में बैठ के वो देखते हैं आप तो एक अपने घर घरेलू एनवायरनमेंट में छोटी सी स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा शायद कम एक्सप्लेन करना पड़ता है और रेडियो जो है उसमें इमेजरी बेतहाशा देनी पड़ती है क्योंकि जो वहाँ लोग हैं वो ना कैरेक्टर को देख सकते हैं ना वो सीन को देख सकते हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं तो उसका स्क्रिप्ट लिखना थोड़ा सा और आ, मुश्किल होता है मगर मज़े का होता है क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो डायलॉग के ज़रिए वो पूरी की पूरी तस्वीर खींचती है और लॉट ऑफ पीपल इन्जॉय राइटिंग फॉर रेडियो मोर देन दे इन्जॉय राइटिंग फॉर टी एंड सिनेमा फिर हम सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि हमारा टाइटल क्या होगा उसका कवर पेज डिसाइड करते हैं कि चीज़ क्या है किसके ऊपर हम लिख रहे हैं फिर एक स्क्रिप्ट का लेआउट होता है उस लेआउट में सबसे पहले सीन डिस्क्रिप्शन आता है कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आता है फिर डायलॉग्स आते हैं फिर सीन जब चेंज होता है फिर आप लिखते हैं चेंज ऑफ सीन सीन डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एंड देन यू हैव वंस अगेन द डायलॉग्स ये डायलॉग्स जो हैं ये लिखना जरा सा मुश्किल होता है जब आप खाली डायलॉग्स के तौर पर लिखना शुरू करते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट हाउ डू यू राइट जस्ट डायलॉग्स एंड मेक श्योर दैट द स्टोरी इज़ स्टिल फ्लोइंग सो वॉट यू हैव टू डू इज़ दैट फर्स्ट राइट द आउटलाइन ऑफ़ द स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि शुरू से ले आखिर तक आपकी कहानी है क्या फिर उस कहानी में जब आप जान डालते हैं तो आप जान डालते हैं डायलॉग्स के जरिए सीन डिस्क्रिप्शन के ज़रिए तो जब आप डे ड्रीम करते हैं तो आप पूरा वो सीन जो है वो इमेजिन कर लेते हैं और फिर वही इमेजिनेशन जो आपने एक एक की होती है में उसका हाथ ऐसे उठेगा वो चेहरा ऐसे टर्न करेगा ये सारी चीज़ें जो हैं आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट के ऑडियो भी होते हैं ऑडियो सेक्शन भी होता है और वीडियो सेक्शन भी होता है यानी कि ऑडियो क्या चल रही होगी उधर विजुअल्स में क्या आ रहा होगा और लोग बोल क्या रहे होंगे तो लॉट ऑफ लेयर्स एंड डेप्थ इन दिस राइटिंग एंड यू हैव टू इट they know exactly the way that you have imagined the whole scene and the story to be formatting ki humne baat ki ke mukhtalif qisam ke formats hain jo script ke hote hain aapne scene bataya character bataya audio visual bataya aur dialogues bataye ये एक standard uh, format uh, है इसका आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो मिल जाएंगे सो so, सबसे पहले आपने क्या करना है Craft your logline, लाइन यानी कि जो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है कैरेक्टर कौन है आपका गोल क्या है विलन कौन है ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके बाद आप ट्रीटमेंट लिखते हैं यानी कि इसकी जो फ़िल्म है या जो कहानी है उसका सिनापसिस पूरी कहानी का एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये होगी क्या आउटलाइन क्या है किसके बारे में होगी और आप इसका ट्रीटमेंट के आप इसको एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं इसकी टोन कैसी होगी इसकी ये रियलिस्टिक है इन्वेस्टिगेटिव है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है या फिल्म है कमर्शियल है ये सारी जो ट्रीटमेंट है ये आप लिख लेते हैं फिर आपका आउटलाइन एक दफ़ा मैंने जैसे पहले भी कहा आप बना लेते हैं कि कब क्या होगा कैसे होगा हर सीन जो है आप डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पहले सीन में ये दूसरे में ये तीसरे में ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर एंड होगी फिर आप एक ड्राफ्ट लिखते हैं और ये जल्दी जल्दी लिखते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं और आप एडिट नहीं करते मगर आखिर में आप एक दफ़ा फिर इसको पढ़ते हैं और एडिट करते हैं और ये देखते हैं क्या मैंने इतनी डिटेल्स दे दी हैं कि जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला है उसको पूरी तरह समझ आए कि उसने इसको कैसे एक्ट आउट करना है अगर एक हीरो है तो उसको पता हो कि जो स्क्रीन राइटर है उसके दिमाग में किस तरह का हीरो था तो वो उसी तरह का हीरो बने और वही डायलॉग बोले उसी टोन से बोले उसी ट्रीटमेंट में बोले आप सेवन पीरियड फिल्म दिखा रहे हैं या आप मॉडर्न डे फिल्म दिखा रहे हैं सेवनटीज़ की एटीज़ की कपड़े उसको कैसे पहनने या वो आजकल का बच्चा है जिसके हिसाब से आपने उसको दिखाना है तो जो स्क्रीन प्ले जब आप लिखना शुरू करते हैं या स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं ख़ास तौर तो पर टी और, और सिनेमा के लिए जितनी आप डिटेल्स दे सकते हैं अपनी कहानी को जितने ही कॉम्प्लिकेटेड इन दुनिया के हर एडोसनक्रिसी यानी एडोसनक्रिसी का मतलब जो हमारे अंदर मज़े मज़े की ऑर्ड बातें होती हैं इंडिविजुअल यूनिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डली हुई हों डिस्क्राइबड हों ताकि कैरेक्टर जो है वो जिंदा होकर निकले फॉर्मेटिंग मैंने जैसे पहले बताया आपको ऑडियो विजुअल सीन्स कैरेक्टर्स एंड देन डायलॉग्स दिस इज द एसेंस ऑफ अ स्क्रीन प्ले राइट आई होप दिस हेल्प्स बट प्लीज़ डू गो ऑनलाइन एंड लुक एट अदर साइट्स दैट विल हेल्प यू मोर